लाल आंख दिखाने चले थे, झूला झूला कर गले मिलकर विदा कर दिया। ये हम नहीं, देश कह रहा है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि देश की जनता जो है ना, भूलती नहीं है इतनी आसानी से। वो भूली 20 जवानों की उस शहादत को भी नहीं है जो डोकलाम में हुई थी। वो भूली मोदी सरकार की उस क्लीन चिट को भी नहीं है जो चीन को दी गई थी भारत भूमि पर कब्जे के बावजूद, जवानों की शहादत के बावजूद। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय चीन को क्लीन चिट देने की जगह करारा जवाब देते, तो चीन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह LAC पर लगातार साजिशें करे। मगर चीन भी जान गया है कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी छवि को लेकर ज्यादा चिंतित है, न कि भारत भूमि की रक्षा को लेकर। इसीलिए चीन बार बार LAC पर, हमारी सरजमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, और भारत सरकार वार्ता के नाम पर देश को गुमराह करती रहती है, बल्कि झूठ तक बोलती रहती है। कमजोर सरकार का फायदा उठाकर चीन ने एक बार फिर पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में भारतीय हिस्से में टेंट लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, उनकी मौजूदगी लगातार बनी हुई है। आखिर चीन का इतना दुस्साहस क्यों हो रहा है, और इस दुस्साहस पर भाजपा सरकार मौन क्यों है? भाजपा सरकार का ये मौन चीन के लिए क्लीन चिट के साथ साथ बूस्टर का काम भी कर रहा है। इसीलिए देश कह रहा है, लाल आंख दिखाइए साहेब, 56 इंच फुलाइए साहेब। जय हिंद।